समानता होती है आगे खिलौने के तुलना में हो जाएगा। आज ही एक रिसर्च अभी है कि जो डमी देते हैं बच्चों के मुंह में, क्या चीज डमी जो छोटे बच्चों को देते हैं ना, एक बुतिया 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 जी बुतिया, ठीक है, तो वो कहते हैं कि उससे दांत खराब हो जाते हैं। नहीं, वो कहते हैं अकल पर फर्क पड़ता है, ये रिसर्च अकल पर फर्क पड़ता है। तो वो ये कहते हैं कि हम ये पूरे तौर से नहीं बता सकते, हो सकता है कि जिन घरों में ये दी जाती है वहां का माहौल बिल्कुल वाजे बात है। एक बच्चा जिसका जिसकी तबीयत हालत इस तरफ हो, जो माने चुने की तरफ, उसको इल्दी माहौल की स्टडी करना और उसमें रद्दअमल दिखाना ये भी लिखा है, ये निस्बतन कम होता है। लिखा हुआ भी लिखा है, यही है असल बात, हकीकत यही है। उसका दिमाग जब खाली हो पड़ा हो, कोई काम ऐसा मशवरा ना हो जो हालत सुरंगेज रखे, तो फिर जिंदो पेश पर नजर डालता है, गौर करता है और उसके लिए अपने आप को फ्री महसूस करता है। उसी बात में लिखे कि वालदैन इतनी तवज्जो नहीं देते कि वो रोता नहीं, ये भी एक जायज फकर है, लेकिन असल बुनियादी वो चीज है। उसकी वजह से जो बच्चे उभरते हैं वो कहते हैं लमी पेलू से बन के निकल रहे होते हैं। जितने बुचिया वाले बच्चे हैं ये नहीं कि पागल रहते हैं, बड़ी देर तक रहते हैं पागल, और उसके बाद जब फिर वो वापस आते हैं तो जब सलाहियतें जागती हैं तो अल्लाह के फजल से पिछली कमियां भी बहुत सब तक पूरी हो जाती हैं। मगर एक जमाने में जो नुकसान पहुंच गया वो दोबारा रहा होगा, वो अगर दिमागी सलाहियतों को नहीं तो उस जमाने में दिमाग के इस्तेमाल से नए इस्तेफादे करने के लिहाज से तो जरूर पहुंच जाता होगा। ये तफसील तो रिसर्चर्स ही बयान करेंगे कहाँ कहाँ है, लेकिन जो इन्हें आप बता रहे हैं, इन्होंने सजेशन किए, मेरे नजदीक तो ये कथित तौर पर यही है सर। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।